सीसीएन न्यूज चैनल में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। आज वो कुमाऊं क्षेत्र का, गैरसैंण क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद बागेश्वर पहुंचेंगे। उनसे जानेंगे कि किस तरह की उन्होंने व्यवस्थाएं वहां पर देखी हैं। सर पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। सर एक ये जानना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार का कहना है कि हम गैरसैंण को डेवलप कर रहे हैं, आप बार बार विरोध करते हैं, आपका एक बयान भी आ जाया था, तो दिक्कत कहाँ पर है आपको, परेशानी क्या? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की तो कांग्रेस ने उसके जवाब में कहा कि हम 2022 में हम सत्ता में आएंगे, हम गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाएंगे और एक ही राजधानी होगी गैरसैंण। मैंने उस समय भी कहा कि यदि इन्होंने ग्रीष्मकालीन भी बनाई है तो हम उस कदम का स्वागत करते हैं, उसको हम राजधानी की दिशा में एक कदम मान करके चलते। लेकिन आज ये नोटिफिकेशन निकले हुए 3-3.5 महीने हो गए, इन ग्रीष्मकाल बीत रहा है मगर कोई मंत्री गैरसैंण नहीं पहुंचा, कोई सचिव गैरसैंण नहीं पहुंचा, सरकार नाम की कोई चीज़ गैरसैंण में नहीं दिखाई दी, बल्कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के बोर्ड तक जो है गैरसैंण में नहीं दिखाई दिए। और जब मैंने लोगों ने पूछो, मैंने को महाराज मेर जाई बाद 2017 में मेरे चुनाव हारिए बाद कोई धूं, कोई ईंट, कोई सीमेंट जरा सा, कोई और काम यथा हो चु के काम कर चु, लोगों को हो के काम नहीं कर, के काम नहीं कर। तो ये कैसी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जिसका बोर्ड लगाने में तुमको शर्म आ रही है, और ग्रीष्मकाल बीत रहा है, आपने सरकार के नाम से एक सचिव को भी वहाँ पर नहीं बिठाया, छोड़िए सरकार का संचालन वहाँ से करना, और आप कैसी ग्रीष्मकालीन राजधानी डेवलप करेंगे जिसमें अभी तक आपने एक ईंट भी नहीं लगाया। तो ये ज्वलंत सवाल हैं जिनका त्रिवेंद्र सिंह जी को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए हमने वहाँ से कहा कि भाई जी भाई जी कक्ष हमारे उत्तराखंड एक राजधानी। दूसरे सर एक अभी कोरोना की महामारी वैश्विक महामारी है और खासकर भी उत्तराखंड में जो है दैवीय आपदा भी शुरू हो गई है, आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि सरकार न तो कोरोना से ढंग से निपट पाई न वो दैवीय आपदा से निपट पाई, क्या कहेंगे सर? देखिए कोरोना में तो जो देखने में आ रहा है उसे निपटना तो छोड़ दीजिए, मुझे तो एक बड़ी भ्रष्टाचार की वो आ रही है। आप कोरोना मरीजों पर जो खर्च कर रहे हैं, आप कोरोना सेंटर्स की हालत देखिए क्या है, कितना रुपया खर्च कर रहे हैं और चार्ज कितना हो रहा है, इसका ब्यौरा लोगों के सामने आना चाहिए। और कोरोना नियंत्रण में नहीं है, न देश में है न यहाँ है। आज हम दुनिया के अंदर सबसे बड़े कोरोना प्रभावित देश बन गए, एक तरफ लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था चौपट हुई और दूसरी तरफ कोरोना से जो है देश पीड़ित है, संतप्त है, और यही हालत हमारे राज्य के अंदर है। तो ये जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल चीख चीख करके कह रही है कि इस सरकार के पास इस तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए कोई मैनेजमेंट, कोई सोच, कोई इच्छा शक्ति, कोई रोड मैप नहीं है। एक सर बार बार ये आरोप लगता है कि कांग्रेस पर कि जब महामारी चल रही है, आपदा चल रही है, प्राकृतिक आपदा भी है, तो आपको एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को सपोर्ट करना, ये बीजेपी की तरफ से कहा जाता है। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आप ये राज्य के नेता को बता दीजिए जिसने कम से कम 10 बार अपील न कर दी हो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, एक दूसरे के साथ सहयोग करें। और हमने तो सारे राजनीतिक कार्यक्रम रोक दिए थे, लेकिन भाजपा ने जब वर्चुअल रैली स्टार्ट की, उनके नेशनल लीडर्स ने आकर के यहाँ कांग्रेस पर प्रहार करना शुरू किया, तो नेचुरली हम विपक्ष हैं, तो विपक्ष धर्म का अर्थ मुंह पर मास्क लगा करके मुंह को बंद करना नहीं है। विपक्ष धर्म का मतलब है वो अपोज द गवर्नमेंट, तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की विफलताएँ हैं हम उनको अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। एक सर जब आप सत्ता में थे आप गाढ़ गधेरे गद्दू गलगल की बात करते थे, और अभी माना जा रहा है कि जब प्रवासियों को रोजगार देने की बात आ रही है तो सरकार इन्हीं चीज़ों पर अमल कर रही है, स्थानीय को प्रमोट कर रही है, तो आपको लगता है कि आपकी योजनाओं पर एक किस्म से? देखिए लोगों ने जब मैं कह रहा था इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिन्होंने गंभीरता से लिया बहुत सारे लोगों ने अपनी आर्थिकी को सुधारा इसके बलबूते पर जो है। और मैं आज भी कह रहा हूँ
इस राज्य की सर्वांगीण कल्याण का रास्ता उन्हीं योजनाओं से होकर के जाता है जो योजनाएं मैंने प्रारंभ की थी। हमने केवल स्थानीय मिट्टी के उत्पादित चीज़ों को ही नहीं वो किया था, हमने यहाँ की प्रकृति, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाषा, यहाँ के खान पान, यहाँ के भोजन, हमने सब चीज़ों को प्रमोट किया जो उत्तराखंड जिससे ध्वनित होता था, और उसी के चारों तरफ हमने अपने आर्थिक विकास की संभावनाएँ गढ़ी। और आप लगाइए, जब मैं मुख्यमंत्री बना था 5 रुपये किलो मंडुआ कोई नहीं पूछता था, आज मंडुआ जो है 50 रुपये किलो बिक रहा है, झुंगरा का चावल आज दुनिया का सबसे कॉस्टली चावल है। तो ये हमने चीज़ों को गढ़ा, बल्कि जिस कंडाली घास की, बिच्छू घास की चाय की बात मैं करता था, और आज दर्जनों नौजवान उस काम को पर लग गए, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। भांगड़े की जिसका लोग मजाक बनाते थे, अब उसी भांगड़े को गेम चेंजर के रूप में माना जा रहा है, और मैं उसके कॉमर्शियल हेम्प की खेती का सारे तरीके और कानून बना करके गया। आज इनके लिए सारे हमने रास्ते बना करके रखे हुए हैं, यदि ईमानदारी से उनका अनुसरण करें तो उत्तराखंड का भला हो सकता है। एक सर, स्थानीय युवाओं में, बेरोजगारों में एक बड़ी उम्मीद आपको लेके है, उनको मानना है कि अगर आप आएंगे तो शायद कुछ व्यवस्थाएं बदलेंगी, उनको रोजगार मिलेगी, क्या आपके पास किस तरह का कोई प्लान है? देखो, चलते घराट को जो बंद कर देता है वो चक्की वाला, यदि अच्छे आटे की उम्मीद करता है तो ये उसकी नासमझी है। मैं 2017 में चलती हुई चक्की था, खूब आटा पीस रहा था इनके लिए, अब लगा लो 32,000 तो पद एक ही साल में निकाल करके मैंने भर्तियां की थी, 18,000 का अधियाचन करके गया था। तो अब उस समय लोगों ने मोदी मोदी कह करके सारा परिवर्तन किया, अब चीज़ें बिगड़ गई, अब हालात बहुत बिगड़ गए हैं, और इन बिगड़े हुए हालात को लाने के लिए, काबू में लाने के लिए कम से कम एक साल बहुत एकनिष्ठ तरीके से, बहुत सोच सुविचारित तरीके से नीतियां और कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के जो है रोजगार की स्थिति रास्ते पर आएगी। तो ये हमारी अपनी बिगाड़ी भी, हमने अपनी चक्की को, चलती चक्की को खुद ही बिगाड़ा है। तो ये नौजवान हो या बुजुर्ग लोग हों, ये खुद उनको समझना है। लेकिन हमको तो एक मौका मिला, हमने अपना काम कर दिया। रंगमंच में आपको जिस समय मौका मिलता है आप अपना अभिनय दिखा करके जाते हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो अभिनय की गहराइयों में जाते हैं, जो लोग समझदारी से काम नहीं लेते हैं, केवल नारों के आधार पर निर्णय करते हैं, वो इसी तरीके से पछताते हैं जैसे आज हमारे बहुत सारे लोग पछता रहे हैं। सर, धारचूला मुनिशहरी आपका पुराना निर्वाचन क्षेत्र रहा है, अभी वहाँ आपदा आई है, वहाँ के विधायक ने भी बहुत तीखे शब्दों में विरोध किया है, आप वहाँ जा भी रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बहुत खराब हालत है वहाँ, और मैं वहाँ के लोगों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए, उनके दुख के क्षणों में सम्मिलित होने के लिए वहाँ जा रहा हूँ। एक सर, एक आखिरी सवाल सर, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए 2022 में आप किस तरह से कांग्रेस के लिए संभावनाएं देखते हैं? कांग्रेस आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कांग्रेस सकारात्मक कार्यक्रम के आधार पर आए, कांग्रेस अपने एक सकारात्मक रूट में बना करके आए, और वैसे कांग्रेस आएगी। तो आप थे हमारे साथ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, और साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार की जो विफलताएं केंद्र की हो या राज्य की हो, उनको लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और गाँव गाँव जाएगा, और 2022 में सत्ता की वापसी के लिए काम करेगा। CCN News के लिए सुष्मिता थापा के साथ मैं सुरेश पांडे।